के अनुसार से पहले सातवें दिन पहले आपकी दवाई अब क्या है, पूरा प्रोसेस ये है कि H3 आपकी जो दवाई है वो पहले आपको 5-5 गोली 10-10 मिल के फर्क से एक बार या दो बार लेनी है, फिर दवाई नहीं खानी है, फिर दूसरे दिन फिर से H3 ही खानी है, फिर तीसरे दिन H3 खानी है, बाकी किच में से कोई भी दवाई नहीं खानी है। वो दवाई पूरी 7 दिन या 10 दिन उसमें जो पत्र में जैसे पेशेंट की जरूरत होती है वैसे उनको उनके पत्र में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं वैसे वो खाई, उसके बाद में बंद कर दे। और एक दवाई है जिसमें RBKC लिखा हुआ है, वो तीनों तरह की दवाइयाँ 10-10 मिनट के फर्क से खानी है। और दवाई बंद, ये दवाई खाने के बाद में आपको सब बंद कर देनी है और दवाई खानी नहीं है। फिर उसके बाद में पत्र में लिखे अनुसार से दूसरे दिन या सातवें दिन या पाँचवें दिन से जैसे इंस्ट्रक्शन हो वैसे आपको दवाई चालू करनी है। दवाइयों के अंदर सबके नाम और नंबर डाले हुए हैं, जिस ढंग से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस ढंग से दवाई खानी है। ये दवाइयों की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं, ओवर मेडिसिन है और हमारी 50 वर्ष की अपनी क्षमता है। और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनको सोशल मीडिया पर वीडियो डाले जा रहे हैं, आप भी यदि चाहें तो ठीक होने के बाद में अपना वीडियो हमें डाल बना कर भेजें ताकि हम उसका सदुपयोग कर सकें, संसार को बता सकें कि बहरापन हमारा के रूप में ही रहा है। धन्यवाद। सारी दुनिया में जो ट्रीटमेंट हम यहाँ दे रहे हैं वही आपको आपके घर पे पूरी ट्रीटमेंट भी दिए जा रहे हैं। उस ट्रीटमेंट का उपयोग करें, घबराए नहीं, संशय न करें, डरे नहीं। जो ट्रीटमेंट हम 3 घंटा का प्रोसेस तैयार करके पेशेंट को दिखाते हैं, जो वीडियो की ट्रेनिंग देते हैं, जो ये रेडियो के द्वारा सुनाते हैं, समझाते हैं कैसे हुआ, कितनी दूर लड़ाई दिया, थोड़ा दिया, नजदीक दिया, कितनी दूर दिया, यदि जन्म के मेरे बच्चे हैं और यदि सुनते हैं तो बोल जाएंगे ऐसा नहीं बड़ा तो फिर से बता देगा। छोटे बच्चों को रोल मिल बजाएं, घंटी बजाएं, थाली बजाएं, सुनाएं, ट्रेनिंग दें। हमारा काम दरवाज़ा खोलने जैसा है, कान का दरवाज़ा खोला अब सुनने जैसा हो गया, कान खोलने की बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं है जितना कान को यूजर फ्रेंडली बनाना है, इसके लिए रीडिंग थेरापी बताई गई है। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग थेरापी करवाना। रीडिंग थेरापी मतलब कि यदि आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, समझदार है और बहरा है, पहले कोई चीज़ लिखे, लिख करके खुद जोर से बोले और खुद पढ़े, तो वो पढ़ेगा और प्रयत्न करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, तो शब्द रचना जल्दी सीख जाएगा। और यदि जो लोग पहले से सुन रहे हैं अभी सुनना कम हो गया है उनका विकास बहुत जल्दी हो जाता है। धीरे धीरे करें, जानबूझ के 6 महीने की दवाई भेजी गई है ताकि आपको बार बार दवाइयाँ नहीं बनी बनानी पड़े और टाइम चल रहा है, दवाइयाँ मिल ही रही है और सिस्टम में पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपकी सुविधा के लिए हमने ये घर पर किया है। दवाइयाँ संभाल के रखें, ट्रीटमेंट सावधानी पूर्वक करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कान में दवाई जाए वो आँख में नहीं जानी चाहिए, आँख में जाएगी तो आँख में जल्द होगी, बहुत सारी बीमारी पड़ेगी, तकलीफ ज़्यादा है, कृपा करके सावधानी पूर्वक। आपका कोई प्रश्न हो तो कृपा करके यूट्यूब और गूगल से वीडियो देखते रहे, डॉक्टर सेंटर या डॉक्टर सुराना के नाम से बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, उन सब वीडियो देखिए, समझिए और अपना कार्य आगे बढ़ाइए। घबराए नहीं, विश्व से कान के बहरापन की समस्या आप समाप्त हो चुकी है। हमारे हिसाब से बहरापन को बताई नहीं है, नशे सूखी नहीं है, नशे सूखेगी तो 1 घंटे में कैसे सुनने लगा ये बच्चा, 1 घंटे में एक बार रेडी हो जाता है, 2 घंटे और यदि नशे सूखते ही नहीं है तो आप अपने उन विचारों को छोड़ दीजिए, उन शरीर को छोड़ दीजिए जो लिखा है कि जन्म में नहीं सुनाई देगा, आपको ऑपरेशन कराओ, सर्जरी कराओ, मशीन लगाओ। अरे भाई, कान होगा तो मशीन चलेगी ना, अंधे को चश्मे नहीं आती, पैर को मशीन दे सकती, पहले पैर पर मिटाइए तब मशीन लगा देगी, नहीं लगाने की बात करता। अब सावधानी बात यह है कि दवाई को बार बार रोज नहीं डालना है, आपको संज्ञा जैसे लिखा हुआ है कि दवाई 15 दिन 10 दिन महीने में कितनी बार देना है, किस महीने में कौन सी डाली है। शुरुआत में यदि कान में किसी को बहुत ज़्यादा सड़ा है, गंदगी निकल रही है तो वापिस प्रोसेस दोहरा सकते हैं। पर सावधान, कान में दर्द हो तो कान का बहुत ज़्यादा दर्द हो तो कान खाली कर दें, दूसरी बार डालने तक का इंतजार करें। सबसे पहले
दर्जी के जो हमारे पास में सोए में हैं उनके कान में रुई डालना है कान के ऊपर। रुई का इसलिए लंगोट पर रुई का लंगोट इसलिए बनाना है कि इससे कान के चारों तरफ दवाई न जाए और आँख में दवाई न जाए। उसके बाद में हमारे पास में मुख्य दो दवाइयाँ हैं, उसका एक का नाम है VIP, ये VIP नाम की दवाई है। दूसरा ये गोल्ड नाम की दवाई है, उसका किट आपको भेजी जा रही है। ये इस दवाई में से आपको VIP के ड्रॉप उसमें कान में 2-3 ड्रॉप डालने होते हैं और डालने के बाद में इसको 10 मिनट तक रखना है। 10 मिनट रखने के बाद में उसको कान को खाली करना है, उस तरफ खाली करो, उस तरफ सो जाओ, रुई निकाल करके रुई कान के ऊपर लगा दो और सुनिए हाँ वो हो गया, फिर निकाल दो, फिर निकालो, वो निकाल के इस तरफ कान में कान को फिर से रुई से लगा दो, लंगोट कान के अंदर रुई को बना दो और यही VIP वापिस उसी कान में डालिए और कम से कम 3-4 बूंद डालिए, 2-3 बूंद से 3-4 बूंद डाल सकते हैं। फिर 10 मिनट के बाद में कान को वापिस पलटी मारना है, कान को पलटी मारो रुई डाल करके पलटी मारो और फिर वापिस, तब तक वो दूसरा कान खाली हो जाएगा, तब दूसरे कान में आपको गोल्ड नाम की दवाई जो हमारी है ये रही, ये गोल्ड का किट आपको भेज रहे हैं, उसी में से निकाल करके वो कान में अभी कान में भर देना है। कान में पूरा भरने के बाद भी पूरा लेवल टू लेवल भर देना है, कान के बाहर दवाई ना जाए, इधर उधर ना हो, उसका ध्यान रखें। और जब तक ये दवाई अब इसके 1 घंटा तक कान में रहेगी, 1 घंटा तक कान में दवाई डालने के बाद भी इसको मान लो 1 घंटा हो गया है तो पूरी रुई उसके कान के ऊपर डाल दीजिए और हाथ लगाओ अपना, हाँ, और पलटी मारो। पलटी मारने के बाद में वो दूसरे कान में वापस वही रुई वैसी ढंग से दूसरी रुई ले लो दवाई रुई ले लो और कान के चारों तरफ लगाइए और उसको खाली करने दीजिए और 1 घंटा 15 मिनट तक खाली रहने दीजिए। तब तक दूसरे कान में फिर गोल्ड नाम की दवाई डालिए और दवाई से कान को भर दीजिए। भरने के बाद में वो जब भर जाए तो उसको रहने दीजिए और इसको दर्दी को 1 घंटा सोना है। इस 1 घंटे के सोने के बाद में ये दवाई पूरी पेनिट्रेट हो जाएगी, कान में दर्द ज़्यादा हो, तकलीफ हो, सेंसिटिव कान हो, कोई कान में सड़ांग गंदगी कुछ ऐसी तकलीफ वाला काम हो वो खाली कर सकते हैं बीच में, अन्यथा 1 घंटे के बाद में पूरी रुई लगा करके 1 घंटा हो जाने के बाद में इस ढंग से करिए और वापिस हाथ लगाओ पूरा कान में और पलटी मारो। पलटी मारने के बाद में कान बिल्कुल खाली हो जाएगा और उसको 15 मिनट तक खाली रखना है ताकि साइफन पद्धति से पूरा कान खाली हो जाए। ये खाली सोए रहेगा और इसको सोए हुए रहने के बाद में 15-20 मिनट के बाद में खड़ा हो जाना है। खड़ा होने के पहले वापिस VIP नाम की दवाई जो है इसके कान में 1 बूंद डाली जाएगी और उसको रहने देना है। फिर दूसरे कान में फिर से VIP पलटी मारो और VIP नाम की बूंद खाली ये 1 या 2 बूंद कान में डालनी है और रहने देना है और सोए रहेगा। 10-10 मिनट तक सोए हुए रखना है। सोने के बाद भी उसको वापिस कान खाली कर दो, प्रोसेस करो, पूरी वापिस घुमाओ घुमाओ, घुमाने के बाद भी 10 मिनट हो जाए तब उसको खड़ा हो जाना है, खड़ी हो जाइए। बस आपका प्रोसेस पूरा हो गया, सुनने की क्षमताएँ बढ़ने लगेगी। अभी आपको कान में यदि जानना है कि हमारा बहरापन कितना कम हुआ है, यदि आपको लगता है कि मुझे कान में पानी वगैरह है कुछ तो रुई से पूछ लें, रुई से नहीं पूछना है तो आपको क्या करना है, ऐसे ही अपना बर्ड डाल के कर सकते हैं और एक घर में यदि स्पीकर रेडियो कोई हो, छोटा बच्चा हो, आपको टेस्टिंग करनी हो तो क्या करिए, गाना बजाइए, कान के पीछे लगाओ, कान के पीछे और उधर से लीजिए बोलो।
के पीछे बजाना है तो उसकी रुचिता लड्डू जब भी आते हैं और थोड़ी देर गाना बजाइए और फिर उसके सुनिए। दवाई है जो मेडिकल में मिलती है और इनके सोफनी कान में दर्द ज़्यादा हो, कान सेंसिटिव हो जाए तो कभी कभार इसको कान में डाल करके फिर दो तीन बार डालें और खाना खाने के बाद में कॉम्बिफ्लेम नाम की दवाई अपने डॉक्टर को खुद के ले सकते हैं। ये दवाई डालने से आपकी दवाई पुरानी दवाई से हो जाएगी, कान का दर्द कम हो जाएगा और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कान में ज़्यादा दर्द हो कई सोल्यूशन का प्रयोग करें, नहीं तो नहीं करेगा। धन्यवाद। और कोई असुविधा हो तो